और ये आपने जो नारा दिया है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये सदियों से हमारी देश की संस्कार रहा और आपको भामाशाह की वंशज उस संस्कार को आगे बढ़ाने की ज्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मैं मारवाड़ी युवा मंच को बड़ी नजदीक से कई सालों से जानता हूं। मैं पिछले 30 सालों से मारवाड़ी युवा मंच को निकट से देखा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देखा हूं, कलाहांडी बलांगीर जिले की अकाल राहत कामों में आपको देखा हूं, कोई नैसर्गिक विपत्ति आती है तो आपकी सेवा को नजदीक से देखा हूं, पुरी की रथ यात्रा में लाखों की संख्या में आप खुद दर्शन भी करते हो सेवा भी करते हो, उसको भी मैं नजदीक से देखा हूं। सेवा आप लोगों की कार्यक्रमों में प्रमुख एजेंडा है, ऐसे ही सेवा आप करते रहिए। अधिवेशनों में मैं आपकी इस कार्यक्रम पत्रिका से प्रभावित हूं। एक संगठन पूरा 12 महीने की प्लान सार्वजनिक रूप में कमिट करना, ये अपने आप में एक सामाजिक प्रतिबद्धता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी का परिचय है। आप बधाई के पात्र हो। मित्रों, आप सब कभी कभी लगता है कि आप ऐसे थे या उड़ीसा आके ऐसे हो गए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। आप थोड़ा हनुमान राम जी का मंदिर बनी है, माहौल देश में बहुत बढ़िया है, जय श्री राम की उद्घोष हो रही है, बजरंग बली भी घूम रहे हैं। कभी कभी बजरंग बली को पता नहीं रहता उनकी ताकत क्या है। ऐसे तो आप हो नहीं भूल, आपको मालूम है आपकी ताकत क्या है, लेकिन शायद उड़ीसा आके हम लोगों के साथ घुल मिलके आप बजरंग बली हो गए। हमारे जहेजा बजरंग बली की साख्या ग्रुप है। बजरंग बली इसीलिए मैं कह रहा हूं, बजरंग बली को अपनी ताकत के बारे में बीच बीच में याद नहीं रहता है या उनको आकलन नहीं होता है कि हम कितने ताकतवर हैं। होना भी नहीं चाहिए, ताकत सेवा के लिए होती है, ताकत निर्बलों को मदद करने के लिए होती है, लेकिन कलयुग में ताकत दूसरों को दबाने के लिए यूज किया जाता है। मेरे को हमारे एक मित्र आपके समाज के मोदी जी सीबीडीटी में मेंबर रहे, हमारे जटनी के हैं, एक दिन मेरे को मिलने आए दिल्ली में, बोले मोदी जी क्या हालचाल है, कैसे क्या चल रहा है, ऐसे नहीं सर गपशप करूंगा आपके साथ, बैठे लंबे समय बातचीत करते करते उन्होंने कहा यार बहुत गड़बड़ हो रहा है, कई देश दुनिया के बारे में टैक्स के बारे में जीएसटी उन दिनों में नई नई लागू हुई थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, मेरे कुछ फीडबैक दे रहे थे, उन्होंने कहते कहते बात कहा कि साहब एक गड़बड़ हो रहा है। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है, बोले साहब जो वेल्थ क्रिएटर है ना, वेल्थ क्रिएटर माने जिसको मैं कहता हूं भामाशाह की वंशज, ये संसाधन बनाने की बजाय नौकरशाही में जाने लगे। मतलब मैं खुद, मेरे पिताजी कारोबारी थे, मैं जटनी में होलसेल गोदाम में मेरे पिताजी का कारोबार होता था, लेकिन मैं अधिकारी बन गया। मैं अगर व्यवसाय में रहता तो शायद मैं वेल्थ और ज्यादा क्रिएट करता। तो मैंने मोदी साहब प्रश्न तो आते का है, मेरे पास उत्तर कहां से है। फिर हमारे बड़े आत्मिक बातचीत हुआ, मैं इसीलिए उसको उल्लेख कर रहा हूं। कभी मैं पहले भी कहा हूं मारवाड़ी युवा मंच की, या कभी मेरे मित्र कोई मिलता है, मैं एक चीज मेरे दिल के अंदर से कहता हूं, मैंने अभी कहा ना बल की प्रवृत्ति के बारे में, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अच्छे धंधा करते थे, साफ सुथरी धंधा करते थे, लेकिन उन दिनों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, इंस्पेक्टर आएगा दो चार प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछना भी सही है, हम कुछ उसकी सेवा भी करते सही है, लेकिन सब गाली गुलज उसके ऊपर भी करेगा, ये सर मंजूर नहीं था मेरे को।
मेरे मन में आया कि मैं पढ़ाई करके उससे बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। सब नशा में जोश में पढ़ाई करके उससे बड़ा अधिकारी तो बन गया, लेकिन मैं अभी पछता रहा हूं और मैं कहता हूं कि भाई यहां तो बिरला, डालमिया, अग्रवाल, जैन, सिंघानिया यही तो वेल्थ क्रिएटर है। आजकल ये सब सीए बनते हैं, सीए बनकर दूसरों की धन संपत्ति कैसे सुरक्षित रहेगा उसकी चिंता करते हैं भले अपना ही धन छोड़ के। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।